30 की आंख में तभी प्रॉब्लम होती है जब हम कहीं जा रहे होते हैं जरूरी काम से। भाई मैं गाड़ी निकालने आया था और ये किसी ने गाड़ी लगा दी है गेट के आगे। शुरुआत तो बड़ी बुरी हुई है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। चल के गुनीत को आते आइसक्रीम चाहिए थी लेकिन आइसक्रीम नहीं मिली है। ये देखो भाई यहाँ पे पूरा ऑडिशन चल रहे हैं। हम गाइस यहाँ ऑडिशन के लिए हो रहे हैं, इसको देखो जरा क्या कर रही है। आ गए हैं आप गुनीत के क्लासरूम में। गुनीत देखो गाइस कौन सी क्लास में आ गए हैं। मम्मी पापा कहूंगे कहाँ छोड़ रहा आपने मम्मी पापा को। मॉर्निंग गाइज, क्या बन रहा है? भत्ता और चाय बन गया है, मतलब बस चेक कर रहा। भत्ता बन रहा है गाइज, मैंने ब्रेकफास्ट आज, मैं डायरेक्ट संडे है ना, आज आप ब्रंच कर रहे हैं ट्रैक। हाँ तो मैं क्या कह रहा था गाइस, मेरा कॉल आ गया था बीच में, ये देख लो भूत कलर लगा रही है। लगा ले तेरे को जरूरत भी है, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती गाइस, मैं देखो ऐसे बना पड़ा हूँ। गुनी देखना गाइस सोते सोते बोलेगी हे गाइस की हाल चाल सारा सोते। वेलकम बैक टू द चैनल, फिर से बोलेगी देखना गाइस हे गाइस की हाल चाल सारा सोते। वेलकम बैक टू द चैनल गुनीत, गुनीत वेलकम बैक टू। अरे यार इधर से करते हैं, इधर से ना होता नहीं है, इस साइड से हो जाएगा मुझे लग रहा है। गाइस की आजकल सारे सोचते हैं वेलकम बैक टू द चैनल। शर्म आ रही है गाइस, पहली बार ब्लॉग कर रही है ना गाइस, पहली बार वीडियो में आ रही कैमरे के आगे तो शर्म आ रही है। थोड़ी देर पर उसकी शर्म चली जाएगी, ठीक हो जाएगी, फिर आपको मिलवाऊंगा मैं गुनीत से। तो गुनीत लेट हो गए हैं, तेरी ऐसी की तैसी, उठ जा लेट हो गए हैं, चलो उठो जल्दी। बतमी जाने वाली इंसान कितना सोना है, अब एक बार बोल दो हे गाइस की हाल चाल सारे सोचते वेलकम बैक टू चैनल। शर्म आ रही है गाइस, शर्म आ रही, पहली बार आई है ना कैमरे में। और इससे ब्रॉडी से बुलवा लेते हैं, ब्रॉडी जरा ब्रॉडी ब्रॉडी बोलो हे गाइस की हाल चाल छरम चाचे को वेलकम बैक टू द चैनल। अबू टडा ढलू कुकल मॉटल, ये ब्रॉडी बोल रहा है गाइस। अब बनी से बुलवाते हैं, बनी हे गाइस की हाल चाल सारे सोचते वेलकम बैक टू द चैनल। अपनी नानी चली कुकल मॉटल, ये बनी की आवाज है गाइस। और गाइस अभी ना सुबह उठा ना बनी, फिर अपनी आंखों को ना ऐसे 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 कर रहा था, हमने दवाई रखी हुई है, पता है हमें क्या करना है। जैसे हमें लगता है ना थोड़ा सा भी बनी की आंख में इसको इरिटेशन हो रही है, वो देखो अभी भी कर रहा है। ये देखो बनी दिखाइए आंख, ये देखो ये आंख है ना बंद कर रहा है हल्की हल्की। तो इसको दवाई डालने के बाद थोड़ा सा ठीक हो गया, सुबह ज़्यादा हो रही थी इरिटेशन, अब 3-4 दिन 5 दिन लगातार इसके दवाई डालते रहेंगे आंख में, ताकि अगर कुछ होना भी होगा ना तो होए ना, पहले ही ठीक हो जाए उसकी आंख। मेरे देखो क्या हाल हुआ पड़ा है, मैंने ना अपनी ट्रिमिंग करी है दाढ़ी की, ना कोई कलर करा है, ना कुछ करा है, ऐसे ही घूम रहा हूँ मैं मरीजों की तरह। आज हमने कहाँ जाना है, आपने टाइटल में पढ़ लिया ना, कहाँ जाना भाई आज हमने? आज हमने जाना है बहुत इम्पोर्टेंट जगह, हाँ, इंडियाज गॉट टैलेंट का हमारा जो स्केलेटन डांस ग्रुप है ना गाइस, ये देख लो यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको झलक दिखा देता हूँ हमारे शो की, जिन्होंने नहीं देखी, काफी लोगों को पता है जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए। ये जो हमारा स्केलेटन डांस ग्रुप है ना, जो हम LED कॉस्ट्यूम्स पहन के अंधेरे में डांस करते हैं, और ये हम लोग ऑलरेडी इंडियाज गॉट टैलेंट के सेमीफाइनलिस्ट पहले रह चुके हैं, इस बार हम दोबारा जा रहे हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए, दो बार जा चुके हैं, तो अभी हम दोबारा जा रहे हैं। उसका ऑडिशन है आज, हमने वैसे तो मैंने ऑडिशन के लिए मना कर दिया था उनको, मैंने कहा था मैं ऑडिशन नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी है कोई बात नहीं आप आ जाओ थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तो अभी पूरी टीम मेरी जाएगी मेरे साथ, हम लोग ऑडिशन देंगे, ऑडिशन देंगे किसी स्कूल में, पता नहीं कौन सा स्कूल है, वो विनोद को पता है। तो अभी दोनों गाड़ियां जाएंगी आज, हमारी दोनों गाड़ी फुल भर के हम लोग जाएंगे, 5-6 लोग हुए हैं और 3 लोग हम हैं। और ब्रॉडी बनी आज नहीं जाएंगे, ब्रॉडी बनी घर पर रहेंगे दीदी के साथ, अपना मस्ती करेंगे, रेस्ट करेंगे। इसकी आंख का ध्यान रखियो, ठीक है जुलानी, इसकी आंख फिर से हो रही, ध्यान रखियो थोड़ा, अगर ये खारिश वारिश करेगा तो इसको वो पहना देंगे। भाई क्या हो रहा है बापू आंख में? तो उसके लिए हम IGT के लिए जा रहे हैं, और जो लोग भी बेस्ट ऑफ लक कर रहे हैं कमेंट्स में, थैंक यू सो मच। तो अगर आगे गए, देखो गाइस मैं बता रहा हूँ, हम लोग ना इतना अभी इस बार IGT के लिए हमारा इतना ज्यादा वो नहीं है मन, क्योंकि हमारे पास एक्ट जो है ना प्रैक्टिस इतनी हो नहीं पा रही, पहले मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली थी, और मैं एक नया ऑफिस भी देख रहा हूँ जैसे आपको दिखाया था, उसमें भी बिजी हूँ, तो थोड़ा टाइम कम था। तो मैंने उनको बोला था कि इस बार थोड़ा सा हम लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बुलाया ऑडिशन, अब देखते हैं क्या होता है। हमने जैसे जैसे करके एक नया एक्ट बनाया, स्पेशल एक्ट उनके लिए, आपको भी दिखाएंगे आने वाले टाइम में। तो अभी फिलहाल हम रेडी हो जाते हैं और चलते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के ऑडिशन पे, वहाँ पे और भी आए होंगे ऑडिशंस के लिए, हालांकि हमें तो उन्होंने टाइम टू टाइम बुलाया है, बस जाएंगे करेंगे थोड़ी देर, 1-2 घंटे लगेंगे करके आ जाएंगे। और गुनीत उठ गई है, अब गुनीत बोल लेगी हे गाइस की हाल चाल चारों दोस्तों का वेलकम बैक टू द चैनल। शर्म आ रही है मेरे बाबू को, गुनीत फिर देख लो सच्ची में, मैं बता रहा हूँ फिर मैं अकेला चला जाऊंगा, ठीक है? चलो ठीक है जी, गाइस मैं अकेला जा रहा हूँ, ब्रॉडी तू चलेगा? बोले बैठा
ये देखो कैसे बैठा है ब्रोडी, किसी को ब्रोडी कैसे बैठा है, ऐसी रहे, स्टे ब्रोडी स्टे, टेक ले लो ब्रोडी, टेक ले लो मेरा बाबू, आय 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 आय, गुड बॉय गुड बॉय। गाइस मैंने लगाया जिहाले मुस्किम और ये कह रही है क्यों बंद करो, इतना अच्छा गाना है। और मैं यहाँ पे अलेक्सा स्टॉप, अलेक्सा स्टॉप। हाँ क्या दिक्कत हो रही है, खान उन्हीं में खाते खाते ये गाना सुनना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कर सकते आप। गाइस मेरा भड़ता और ये आ गई, और मैं चाय और मैं ये मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है, और अभी उन्हीं उठो जल्दी, लेट हो रहे हैं, बता रहा हूँ मैं निकल जाऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं, मुझे मत बोलना फिर, रोते रहना फिर बाद में, लेके नहीं गए वहाँ, मजा आएगा आपको भी। कौन सी डेनिम वाली डेनिम वाली है, डेनिम वाली ड्रेस। हाँ वहाँ पे स्कूल में वो बस अपना ऑडिशंस वगैरह हो रहे होंगे, आप देख लेना, पता नहीं अब हम लेट जा रहे हैं, हो सकता है खत्म ही हो गए हो तब तक, लेकिन फिर भी चलो जो भी है। और ये बदतमी जाने वाली इंसान ये खा रही है चाय ब्रेड, ये रोज एक ही चीज खाती है, ब्रॉडी बनी की तरह, जैसे ब्रॉडी बनी वो खाते ना अपना खाना, ये भी एक ही चीज खाती है। उनको हजम ही हो ही होता तो मैं क्या। हाँ तेरे को तो मेरी बातें भी हजम नहीं होती, तेरे को तो मैं ही नहीं हजम हो रहा अभी तक, इतने हालों बाद, इतने हालों बाद नहीं, इतने सालों बाद भी तेरे को मैं हजम नहीं हो रहा, तो अच्छी बात है ना, थोड़ा ग्लिटरी है ना, तो देखो शूज भी व्हाइट है, अभी शूज व्हाइट पहन लो, थोड़ा तक नहीं तो मैंने पहन लिया ना वो, मैं जब तक गाड़ी गाड़ी क्लीन कर रहा हूँ, मैं गाड़ी बाहर निकाल रहा हूँ, तब तुम लोग रेडी हो जाओ फटाफट, लेट हो गया ऑलरेडी। देखो भाई सवा दो बज गए, हमने ढाई दो बजे तक निकलना था, ढाई बजे निकलना है मतलब, और ऑफिस जाके मेरे को भी थोड़ा सा सामान भी रखना है गाड़ी में उनकी। गाइस जब भी हम कहीं जा, इसकी आंख तभी में प्रॉब्लम होती है, इसकी आंख में तभी प्रॉब्लम होती है जब हम कहीं जा रहे होते हैं जरूरी काम से, पिछली बार जब हम मायरा के बर्थडे पे गए, और ये बदतमी जानवर बनी, देखो गाइस इसकी आंख में ध्यान से देखना जरा, ये देखो इरिटेशन हो रही है इसको, और हमसे देखा नहीं जाता इसको, सारा मूड खराब करता है, हट जा तू, उसकी आंख को चाट रहा है, और इसको लगता है उसकी आंख में दिक्कत है, ये चाटने लग जाता है। गाइस मैं गाड़ी निकालने आया था, और ये किसी ने गाड़ी लगा दी है गेट के आगे, नो पार्किंग फ्रंट ऑफ दिस गेट लगाया हुआ है, फिर भी गाड़ी लगा जाते हैं, और गाड़ी गंदी हो रही है, और वो वाला जो ब्रश था ना उसका मैं आपको कमाल दिखाता हूँ, ये आप मंगाओ, ये देखो गाड़ी की हालत देख रहे हो, अब देखना ये देखो, अमेजोन पे मिल जाएगा ये आपको, अभी ट्रिप पे जाएंगे ना हम, ये बड़ा काम आएगा यार, वाओ। तो अभी ये गाड़ी हटवानी पड़ेगी मुझे, पता नहीं कौन लगा गया पीछे गाड़ी, जब तक ये हटेगी नहीं हम निकल नहीं सकते, इधर से निकलने का रास्ता नहीं है, इधर से गमले वमले पड़े हुए हैं। गाइस देखो मैंने इतनी पतली गली में से कैसे कैसे करके वो गमले सारे पड़े हुए थे वहाँ, वो गमले हटा के फिर गाड़ी निकाली, वो बंदा आया ही नहीं, बदतमीज जानवर वाला इंसान, इतना गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है पंचर कर दूं उसकी गाड़ी, लेकिन छोड़ो परे, पंचर क्यों करनी, किसी को क्यों परेशान करना चाहे, हमें तभी भी हमें क्या होगा, निकलेगी तभी नहीं गाड़ी। हाँ तब भी नहीं निकलेगी, वही तो। चलो बैठो नहीं, बहुत लेट हो गए, अब शुरुआत तो बड़ी बुरी हुई है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है गाइस, चल के स्टे ट्यून। चलो गाइस, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बाबा जी का नाम लो, तो चलो हुन अग्गे सब सही होए, बहुत भाई एक घंटा हो गया मेरे को, इतनी गर्मी में घूम रहे हैं, काला हो गया एक दिन में, हाँ नहीं तो बदतमीज जानवर वाला इंसान गाड़ी लगा, पता नहीं कैसे लगा के चले जाते हैं लोग। चलो जी मैं और गुनीत लग गए हैं यहाँ पे, और ऑल सेट, बैग ले आया मेरा, कुछ भूल तो नहीं रहे, गाइस ये गाना ना रिपीट पे चल रहा है, खुशी तुम्हारी गाड़ी में, और गुनीत ना इस गाने से कलप रही है, और मैं जान जान में उसकी आवाज तेज कर रहा हूँ, गुनीत आवाज तेज कर दू, वो गेम खेल रही है ना, करने दो ना, नहीं उस गाने, इस गाने के से भी उसको पता नहीं क्या हो रहा, मेरा फेवरेट गाना है ये, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, हमारा दिल या तुम्हारा दिल है, पुलिस वाले हैं आगे रख देता हूँ, नहीं पुलिस वाले नहीं है, कभी कभी व्हाइट शर्ट पहन के खड़े होते हैं ना बंदे, ये सबके साथ होता होगा, जितने भी ड्राइवर जो भी चलाते हैं गाड़ियाँ, व्हाइट शर्ट पहन के ऑफिस वाले जाने वाले खड़े होते हैं, जैसे ये खड़े हैं, ये देखो वो दो तीन खड़े थे ना, ये देखो ये खड़े हैं, ऐसे लगता है कि भाई वो है क्या नाम है पुलिस वाले, बंदा फिर फटाफट वो कर लेता है, सबके साथ होता है ये। आई थिंक हम पहुंच गए हैं, और गुनीत रश लगा हुआ, देख गाड़ियां कितनी खड़ी है, हम आए बाल भवन पब्लिक स्कूल मयूर विहार, ऑडिशन हो रहे हैं यहाँ पे, तो गाड़ी गई यहाँ पे जगह नहीं लगाने की, ये देखो ये भी इंडिया गॉट टैलेंट के लिए आए हुए हैं, पगड़ी कितनी अच्छी पहनी है, ये देखो इंडिया गॉट टैलेंट का बोर्ड, ये रहा, चलो गुनीत उतरो, जाओ जरा तुम लोग, मैं आ रहा हूँ, इतनी दूर गाइस गाड़ी लगाई है आके,
कहीं पे जगह ही नहीं है, मेरे को 5-7 मिनट लगेंगे पैदल जाने में, वो भी इतनी गर्मी में। भाई यहाँ से ऐसे जाओ, बाहर निकलो, चौक जो आता नहीं है जहाँ से तुम राइट लेफ्ट से आए, उधर से आए हो ना, राइट नहीं मुड़ना, वो पार करते ही उल्टे हाथ पे गाड़ी खड़ी है मेरी। यहाँ बैग ले आना, छोटे छोटे से टीम भी आ गई है। और जी भाजी की हाल है? बढ़िया जी, बढ़िया, तैयारी है पूरी जी। नाम रख लेना, थोड़ा इज्जत रख लेना, बढ़िया करना। स्पेशल एंट्री हो रही है गाइस, स्कूल का गेट मेन गेट वो है, लेकिन हम वहाँ से नहीं जा रहे, हमारी स्पेशल एंट्री हो रही है। और गुनीत को आते आइसक्रीम चाहिए थी, लेकिन आइसक्रीम नहीं मिली है। अब मुझे गुनीत अंदर जाके देखना, देखना कैसे कैसे टैलेंटेड पीपल आए होंगे, ऐसा ऐसा डांस कर रहे होंगे जो आप टीवी पे नहीं देखते। हाँ इतना भी अच्छा नहीं है, पेड़ देखो कितना अच्छा है। गुनीत जो आप वो नहीं देखते थे शो डांस इंडिया डांसर, वो सब हाँ डांस के शो बहुत देखती थी, वही सारे टैलेंटेड पीपल मिलेंगे आपको भी अंदर। गाइस को थोड़ी देर वेट करनी पड़ी है, हम बाहर खड़े हैं गेट के, अंदर से वो आ रही है कविता, तो ये थोड़ी देर वेट करनी पड़ी है। मैं इसको ये बता रहा हूँ, जो ये डांस करने आते हैं ना इंडियाज गॉट टैलेंट में, ये रात को ही लाइन में लग जाते हैं बेचारे, इसको देख अभी बहुत मेहनत होती है। हाँ। और मैं चाहती थी कि गुनीत आके ये देखे, सुबह रात से लाइन में लग जाते हैं, सुबह तक कई बार नंबर आता है और दो ठुमके मार के जाते हैं और जल्दी बोल देते हैं जाओ नहीं हुआ तुम्हारा ऑडिशन, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वो चले जाते हैं वापस बेचारे। ये देखो भाई यहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं। गुनीत को गाइस मैं ये बता रहा था कि मैं और मनी चाचू, मनी मेरा ब्रदर, हम आए थे एक बार ऑडिशन देने के लिए डांस इंडिया डांस का, और हमने रात को लाइन में लगे थे, अगले दिन हमारा नंबर आया था, उसके बाद भी ना हमें स्पॉट सिलेक्ट नहीं किया था, हम रो रहे थे। इसको देखो कितने लोग जानते हैं आपको, कितनी स्ट्रगल करके लोग पहुँचते हैं पता है यहाँ तक, कितने से सिलेक्ट होंगे बाकी सारे वापस, ये क्या होता है क्या? हम गाइस यहाँ ऑडिशन के लिए हो रहे हैं, इसको देखो जरा क्या कर रही है, इसको अपनी चीज मिल गई है, ये देखो बदतमीज जाना वाली इंसान, ये यहाँ झूले झूल रही है और ये यहाँ झूले झूल रही है। अभी गाइस हमें एक डेढ़ घंटा रेडी होने में लगेगा, अभी बज गए हैं 5:15, एक डेढ़ घंटा हमें रेडी होने में लगेगा, मेरे को मार मत देना कोई, उसके बाद फिर हम ऑडिशन देंगे, मतलब 2-3 घंटे अभी लगेंगे हमें। और नर्सरी उतर जाओ, गुनीत को मना कर दिया गया है झूला झूलने के लिए, यहाँ मम्मा साथ बैठ के झूल लो, मम्मा स्टोरीज बना रही हैं। आ गए हैं अब गुनीत के क्लासरूम में, अभी यहाँ तैयारी हो रही है, गुनीत कौन सी क्लास है, गुनीत देखो भाई कौन सी क्लास में आ गई है, गुनीत मुझे लगता नहीं आप यहाँ तक पहुँच पाओगे जो आपकी हरकतें हैं। तो हमारी तैयारी हो रही है, अब हम चेंज में निकल रहे हैं, इसके बाद फिर ऑडिशन देंगे और बाकी ही बड़ा गर्मी हो रही है अभी ये ड्रेस पहन के और गर्मी क्या करिए, पता है सबको। मम्मी पापा क्या नाम है आपका, मम्मी पापा घूमे कहाँ छोड़ा था आपने मम्मी पापा को, ताकि मम्मी पापा को इसको नंबर याद था, तो सारे बच्चों सुनो अपना नंबर मम्मी पापा का याद होना चाहिए, देखो इसको नंबर याद था तो इसने मुझे नंबर बताया, मैंने इसकी मम्मी को फोन करा, अब इसकी मम्मी इसको लेने के लिए आ रही है, उसके मम्मी पापा मिल गए हैं। बच्चों अगर ऐसा कुछ हो रोना नहीं है, किसी को रोकना है, बोलना है मेरे मम्मी पापा का ये नंबर है, उसको फोन मिलाना है मम्मी पापा को और फिर मम्मी पापा से मिल लेना है, डरना नहीं है। जैसे ये रोने लग गई थी, कोई बात नहीं बच्चे रोने लग जाते हैं, लेकिन नंबर सबको याद होना चाहिए। 5-6 और ले आऊंगा सैंडविच, मुझे भी भूख लगी है, भूखे मर गए यहाँ पे। यहाँ तो सेट हो गाइस, रेडी सब रेडी है गाइस, गुनीत तुम चलोगे देखने, तुम चलोगे देखने तेरी ऐसे की तैसे, पहले जब हमारा ये वाला टाइम होता था ना, दिल धड़कता था, जो अब फर्क नहीं पड़ता, दिल धड़क रहा था शक्ल पे, 12 बजे होते थे, भूख लगी तब इतने पैसे छोड़ तब ना भूख लगती थी ना। सुन अभी क्या हुआ गाइस, हम यहाँ से नीचे उतरे, बदतमीज जाने वाला इंसान बुला रहा फोन करके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम यहाँ से नीचे गए, उस साइड से सीढ़ियों से ऊपर ले आया हमें, कह रहा यहाँ वेट करो, जहाँ जहाँ हम ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, माँ को बुलाओ जल्दी, ऑडिशन होने वाला है, बस हम जा रहे हैं ऑडिशन के लिए, भारी है इतना टाइम, ये ले लो आप, ये ले, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, ए वाला करके आना, ए वाला। Oi,
गाइस फाइनली हो गया, मस्त हो गया गाइस। उन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह बोले वो मैं कर दूंगा, बाकी उनकी बातों से तो लग रहा है कि यार इतनी मेहनत करी, इतने टाइम से करते आ रहे हैं और पहले कर भी चुके हैं फिर भी ना हो सिलेक्शन, तो बात ही क्या है। वेरी गुड गाइस, तुमने मेरी लाज रख ली। थैंक यू सर। कैसा लगा जी? हाँ इसी के बारे। अरे सामने से इतना अच्छा लग रहा था ना, टच हो टच हो, और मुझे भी खुद को भी बहुत सही लग रहा था, और देख के बोलो हिल गए हिल गए। हाँ ऐसे हो गए उसको भी, वैसे गर्मी के चक्कर में ना थोड़ा हो गया गर्मी। मुझे तो डांस देख के मजा आया। हाँ अभी तो तुमने पूरा देखा, अभी तो नहीं था, टैलेंट अच्छा अच्छा देखा नहीं, कैसा कैसा खतरनाक टैलेंट आता है। चल रहे थे निकलते निकलते, पुनीत को आइसक्रीम दिख गई है, और अभी मेरे को मिला बिग फैंस, बिग फैंस कोई मुझे स्मॉल फैन, मुझे मेरी सपना है कि मुझे आगे बोले स्मॉल फैंस स्मॉल फैन, तो मिलता ही नहीं स्मॉल फैन वाला। गुनीत को जो चली चाहिए थी आइसक्रीम मिली नहीं, तो भाई कमाई करने के बाद हम आ गए हैं। गुनीत क्या खा रही है? चिकन मोमोज खा रही है। सतिंदर क्या खा रही है? टिक्की खा रही है। और मैं खा रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा, फिर आप बोलोगे कि डाइटिंग डाइटिंग कहता रहता है, डाइटिंग करता है। हाँ तो पुनीत कभी कभी आप देखो इतना हम पसीना निकाल रहे हैं, हमारी बाट लगी पड़ी, शक्ल की हालत देखो, कभी कभी तो खाना बनता है। ये देखो भाई आ गए हमारे मोमोज वाले। क्या हुआ, सड़ गया ना? बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म है। पुनीत आप इसको ले जाओ कल खा लेना, इतने गर्म है गाइस। सो गाइस ऑडिशन हमारा बहुत ही मस्त और बहुत ही उनको अच्छा भी लगा है, बहुत अच्छा हो गया। रिजल्ट के लिए भी रुको, अभी उनका फोन आया है कि स्केलेटन डांस क्रू आप ऊपर आ जाओ। हमने कहा ऊपर आ जाए, हम तो निकल गए हैं। एक्चुअली हमें उतनी परवाह रहती नहीं ना, तो हमें पता ही नहीं चला। उन्होंने बोला जाओ, हम बाहर आए, हम पैक पुक करके खाने पीने आ गए। उन्होंने बोला अभी कोई पता नहीं, दोबारा फोन आ जाए उनका कि आप आ जाओ, तो अभी हम जा तो सकते नहीं, लेकिन हम निकल गए हैं। अब जो होगा देखा जाएगा, अब रिजल्ट हमें बताएंगे क्या है, तो रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा क्या है, फिर उसके बाद क्या है। तो बाय बाय कर दो, इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। गुनीत आप भी कर दो एंड, बाय गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हम सिलेक्ट हो गए, फिर बहुत जल्दी आप हमें इंडियाज़ गॉट टैलेंट के स्टेज पे देखोगे, हमारी टीम को, और हो सकता है सतिंदर गुनीत भी जाएं साथ में, मुंबई घूमेंगे। और बॉम्बे तो गई हुई है ये, लेकिन इसको पता नहीं है, इसको याद नहीं है ये गई थी बॉम्बे। बाय गाइस, थैंक यू, थक गए हैं बहुत, घर जाके ब्रॉडी बनी को घुमाने लेके जाऊंगा, वाला मजा आएगा, वाला मजा। और ये इसने पढ़ाना है इसको। हाँ बोलो पापा, अगर आपका शो आगे और दादी वहीं पे हो तो मिल लेंगे, और क्या शो आ गया तो दादी वहीं पे, तो दादी से मिलेंगे, वहीं वहाँ जाएंगे, रहेंगे, सबको परेशान करेंगे, और क्या। बाय गाइस, बाय।